मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, मार्केट में आए हैं, कुछ खरीदारी करना है, घूमने आए हैं? तो घूमने आए हैं। अच्छा, ये महंगाई वगैरह क्या लग रही है? सब खरीदारी नहीं हो, बाहर से आई हूँ। कहाँ से आए? गुना, एमपी से आए हैं, लेकिन सामान तो खरीदते हैं। सामान खरीद रहे हैं। महंगाई कैसा लग रहा है? महंगाई तो है, पहले से है, कम होना चाहिए महंगाई। पूछो लखनऊ वाले। अच्छा, लखनऊ वाले है। अरे महंगाई तो महंगाई होता है, लखनऊ में कम है क्या महंगाई? है नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़ है एकदम। क्या करेंगे इस बार लखनऊ वाले, क्या करेंगे? आपकी बीजेपी को नहीं लाएंगे। बीजेपी को काहे नहीं लाएंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे तो सरसों का तेल कौन खरीदेगा? हिंदुत्व को थोड़ी हमको तेल खरीद के देगा। ये बात है, और क्या? सरकार तो कह रहे हैं कि इतना जब मेरा पेट भरे रहेगा तभी तो हम हिंदू को सपोर्ट करेंगे। मुद्दे पे बात होने चाहिए। क्या क्या मुद्दा होंगे इस बार? मुद्दा तो बहुत है ना, बताइए ना। प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर है? यस। अच्छा, सरकारी टीचरों के लिए दे रहे थे क्या? एग्जाम देने गए थे? कल परसों जो एग्जाम हुए थे वहाँ पर भी गए थे? एग्जाम लेने जाते हैं, देने नहीं जाते हैं। लेने जाते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल हो रहा है? प्राइवेट टीचर है, बच्चों को तो आप फीस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे अपने बच्चों को? पढ़ाते रहे मैम। तो कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत दिक्कत। मैनेज कैसे करते? कटौती क्या करते? महिलाओं के लिए मेकअप का बहुत सारा सामान भी चाहिए होता है। करवे की 5000 की साड़ी 2000 पे कर दिया था, ऐसे मैनेज कर रहा है। महिलाओं के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है। और क्या क्या कटौती करते हैं? अरे क्या क्या करते हैं? हमें भी पता है, हम भी महिला है, पता है हमें, लेकिन हम आज सोचते कि हम लोगों से जानते हैं कि हम लोग कितना कटौती कर रहे हैं। हम लोग महिला अपनी व्यथा कह नहीं सकते ना मैम, थोड़ा सा तो बता ही सकते हैं। चल रहा है किसी तरीके से, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? जैसे महिलाओं को पहनने का शौक होते हैं, संवरने का शौक होता है, इसमें कटौती कर दिया है। 50 रुपए की क्रीम जो है वो 5 रुपए के पाउच से काम चला रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये सरकार कह रहे थे कि सब कुछ सस्ता करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार वोट देने से पहले क्या सिलेंडर को नमस्ते करेंगे? मोदी जी तो कहते थे कि वोट देने से पहले सिलेंडर को नमस्ते कर दो, जब पहले महंगाई हुए थे सरकार आने से पहले। आप भी करेंगे क्या इस बार? आप टीचर हैं मैडम, आप बहुत कुछ देखते हैं, समझते हैं, तो आपके हिसाब से कि मुद्दा क्या होंगे 2025? मुद्दा मैम महंगाई है, इन कमाई, दो ही मुद्दा है मैडम, दो ही मुद्दा है। बेरोजगारी, यानी कि उसके साथ रोजगार, हमारी कमाई रुक गई, हमारे काम रुक गए। कोरोना काल में फिर घर चलाने में मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल आई मैम। अभी मैनेज हो गया सब कुछ? हाँ, चल रहा है किसी तरीके से, अभी सब कुछ, अभी भी डिस्टर्ब ही है मैम। अच्छा, चलिए, सरकार कम करे थोड़ा सा महंगाई, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार किसका बनाने वाले है तो पूछे थी? आएगी तो बीजेपी, खिलाएंगे तो कमल। अच्छा, कमल ही खिलेंगे? हाँ, भले पेट में रोटी ना हो, लेकिन क्या है ऐसे क्यों? ये तो बताओ भैया, क्या करें? बताइए भैया, हिंदू तो खून में है। अच्छा, खून में है? हाँ, ब्लड गवाही नहीं दे रहा है। ब्लड तो सबका एक जैसे ही है ना, कलर थोड़ी ना बदल जाते हैं। ब्लड तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में आपस में है भाई। लेकिन इस सरकार में महंगाई तो है मैम, पब्लिक परेशान है। अच्छा, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन क्या करें, जिताएंगे उन्हीं। मरता क्या नहीं करता। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जिताएंगे तो उन्हीं को ही। चले, रिक्शा वाला भैया, कितना कमा लेते हो भाई? कमा कितने? 100 रुपया बना लेते हैं। 100 रुपये का 100, 150, 200 बन जाते दिन भर में। तो ये जो महंगा हो रहा है सामान, तो परेशानी है भाई। अरे हम लोग तो जी रहे हैं, कैसे जी रहे हो भाई? ये तो सरकार कहते हैं कि गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग किसान आदमी है, वो तब भी रिक्शा चला रहे हैं। किसान है आप? हाँ, रिक्शा चला रहे हैं। आप तो देश का अन्नदाता है भैया, तब भी रिक्शा चला रहे हैं, क्या करें? यहाँ खेत खलिहान जो है वहाँ पे सब जानवर सब परेशान करे, जानवर परेशान करते हैं, तो दिन भर रिक्शा खींचते हो भाई, रात में जागते हैं जानवर। ये देखिए कितना ज़्यादा परेशानी है। ये किसान है, दिन भर रिक्शा चलाते, रात भर खेतों पे जानवर की वजह से वो पहरा देते हैं। हाँ, तो इतना मुश्किल हो रहा है क्या भैया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जानवर कौन सा जानवर है परेशान? गैया है, बैल है, सब जितने हैं जो हमारा है। हाँ, वो परेशान करते हैं। तो ये जो महंगाई, बढ़ते महंगाई, तो मुश्किल हम लोग नहीं खा पाते, हम लोग तो खाना मुश्किल है, मुश्किल हो रहे हैं। तो कैसे इस बार महंगाई कम? साग सब्जी भी जो है सभी महंगा है, सभी हर एक चीज़ महंगी है, और फिर खेत का सब सामान महंगा है। तो क्या करोगे भैया इस बार, क्या बदलोगे सरकार? क्या भैया? नहीं, सरकार तो भाई जो होगा तो हमारे बदलने से थोड़ा होगा, मगर वोट तो देते हैं, बूंद बूंद से तो घड़ा भरते हैं। तो आप किसको जिताएंगे? अब देखो किसको जीता है, मन में कौन है भाई है? मन में अब देखो, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी थी वो कुछ बहुत रहता था, उन्हीं की तरफ इशारा है, उन्हीं को जिताएंगे। चलिए चलिए हम लोग ये देखिए, ये तमाम लोग डेली कमाते हैं और डेली घर लेके जाते हैं पैसा। चलिए हम लोग आंटी से पूछते हैं। आंटी ये बताइए, लखनऊ के रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले गोरखपुर के हैं। अच्छा, योगी जी के घर से ही है। तो कैसा काम किया गोरखपुर में योगी जी? काम वाम कर रहे हैं? अच्छा, बढ़िया। हाँ, सब ठीक है, हो रहा है। ठीक है, तो किसको इस बार जिताने वाले हैं? अब समय देखा जाएगा किसको, अभी क्या बताएं, देखा जाए। तो अभी तो 4.5 साल तो हो ही गए ना योगी बाबा के, तो बताएंगे नहीं अभी? पता नहीं, जब समय देखा जाएगा। अंकल जी, आप किसको जिताएंगे इस बार? अरे कोई नहीं, पता नहीं, नहीं बताएंगे, जब सामने आएगा तो पता बताएंगे। क्यों ऐसा, क्यों मन में है? मन में नहीं, कुछ राज नहीं खोलेंगे, राज नहीं खोलेंगे। चलिए, कमल खिलेगा या इस बार साइकिल चलेगी? श्योर कमल ही खिलेगा। काहे कमल खिलवाएंगे? योगी जी का विकास, जो यूपी में इतना क्राइम था, इंसान आने से डरता था, आज वो यूपी में खुलेआम घूम रहा है, लड़कियाँ रोड पे नहीं घूम सकती थी, वो मतलब इतना ज़्यादा खराब था माहौल पूरा, आज एकदम बिल्कुल बदला हुआ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट तो यही कहते हैं, क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है उनका रिपोर्ट कहते हैं कि रेप के मामले में, मर्डर के मामले में यूपी नंबर 1 है। वो रिपोर्ट तो ये जैसी चाहते वैसी बनवा सकते हैं। ओहो, ये बात है। हाँ, क्योंकि मीडिया से तो ये जो चाहते हैं वो छापती है मीडिया, तो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे मीडिया पूरा जो बोलते हैं? कितनी खबरें सही चलती है आप खुद ही बता दीजिए, आप मीडिया से हो, लेकिन आप खुद बता दीजिए कितनी जनता को ज़्यादा पता है। जनता बहुत समझदार है भैया। हाँ, वो मुझे पता है, जनता समझदार है, लेकिन 80% बस। अब आप मुझे बता दो कि लखीमपुर पे इतना बड़ा मुद्दा था, 4 दिन चला, सारे नेता 4 दिन रोके आगे, अब आज वो कुछ है ही नहीं, क्यों गायब हो गया वो मुद्दा? शॉर्ट आउट तो नहीं हुआ ना? लगता है आपको बड़ा मुद्दा है भैया? शॉर्ट तो हो गया ना वो भाई, अब इतना बड़ा मुद्दा लगता है? मीडिया ने दिखाना तो बंद कर दिया ना, वो चीज़ें दिखाना तो बंद कर दिया ना। कोई भी चीज़ होती है बस 4 दिन तक हाईलाइट रहती है, चाहे आप रेप के केसेस देख लो, दिल्ली में इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, लेकिन 4 दिन के बाद वो कहीं नज़र ही नहीं आए। कितना बड़ा मुद्दा है भैया लखीमपुर खीरी वाला मामला, आपके लिए कितना लगता है? बहुत, देखा जाए तो बहुत बड़ा है। किसानों के ऊपर गाड़ी चले हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चली है, अब वो किसान भी है या फेक है भाई, आप देख रहे हो। चलिए, वो तो SIT जांच कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान, आप भी गाड़ी से निकले हैं, गाड़ी से ऐसे किसी के ऊपर गाड़ी तो नहीं चला सकते ना। अब उसकी सच्चाई तो कोर्ट ही बता पाएगा ना, क्या सच्चाई है क्या नहीं, वो तो आप और हम तो बता नहीं सकते हैं, वो तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक क्या लगता है आम इंसान क्या सोचते हैं? जो जैसी सोच रखता है, जो ये तो पार्टी वाले करवाते हैं, जो करवाते हैं। आप घुमा रहे हैं भैया, किसको जिताने वाले इस बार? बीजेपी। बीजेपी को जिताने वाले, क्या पसंद आया? बीजेपी एक बहुत ही अच्छी पार्टी मेरे को लगी, हिंदुत्व की भावना जगा के रखती है। हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, हिंदुत्व और विकास भी बीजेपी कर रही है। अच्छा, विकास में क्या क्या हुआ है? विकास में आप देखिए, रोड बन रहे हैं, लॉज चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? लॉज, नियम चेंज हो रहे हैं, है ना। और ये जो नाम पहले रखे हुए थे ना, वो नाम बदल रहे हैं। हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद आ रहे हैं? इसलिए पसंद है कि जो लोग हमें लूट के गए, यहाँ पे आके अत्याचार करके गए, यहाँ पे आके लोगों को मार के गए, और उन्हीं के नामों पे पुराने जमाने से वो नामे चले आ रहे हैं। तो क्यों नाम राम के बारे में पढ़ाएं, कृष्ण के बारे में पढ़ाएं, हनुमान जी के बारे में पढ़ाएं, और जो हमारे महान नेता रहे उनके बारे में पढ़ाएं, है ना। तो नाम चेंज हो रहे हैं, तो उससे भी लोगों के अंदर हिंदुत्व, उसकी जो देशभक्ति की भावना वो जागती है। अब जैसे पाकिस्तान है, जो पहले हमें आगे दिखाता था, आज वो डर के रहता है, क्यों? उसे पता है कि कभी भी ज़मीन से हमें मार सकते हैं, कभी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इंटरनेशनल पे भी जो हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोगों को अपने साथ रखा है। आज देखिए, कोई भी इंटरनेशनल अगर कोई मुद्दा होता है तो भारत अपनी बात बहुत मजबूती से रख पाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ सुना के भारत के आ जाता था, अपनी बात नहीं रख पाता था। लेकिन आज हम बोलते हैं और लोग हमारी बातें सुनते हैं। यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पे देखिए कितनी बातें उन्होंने की हैं, कितना बड़ा बड़ा उन्होंने लोगों को, मतलब जो भारत की बात है वो सामने रखी है। तो इससे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी माहौल चेंज हो रहा है। तो मेरा वोट तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के रहेगा, इस बार भी नहीं, इस बार भी नहीं, आने वाले 5 साल बाद आगे के लिए भी मेरा वोट बीजेपी के रहेगा। अच्छा, मैं एक बात बता रही हूँ भैया, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें भारत का नंबर आपको पता है कितने नंबर पे आया है? देखिए, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अभी भी और काम करना बाकी है, जैसे क्राइम का मुद्दा हो गया, एजुकेशन मामला ले तो कह रहे कि आतंकवादी बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन आपको पता है हमारे जवान का कितना जवान मरे हैं? बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन ये चीजें पहले भी तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वादा तो किए थे भैया। वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जिनको सरकार को और काम करना बाकी है, लोगों का विश्वास और उससे जीत पाएंगे। जैसे अभी एजुकेशन का मामला है, एक बहुत बड़ा जो मामला मैं समझता हूँ वो रोजगार का है, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको रोजगार का ये चीजें हैं जिन पे अभी सरकार को काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको किस चीज में सरकार को? एक तो रोजगार पे काम करना चाहिए सरकार को, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हमारे भारत में कहीं पे भी पहले से चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन उन पर भी और भी काम होना चाहिए। लेकिन सरकार तो, भाजपा सरकार तो यही कह रहे हैं ना कि महिला की सुरक्षा में, भाजपा मैदान में कि बहुत सुरक्षा है। मैं मानता हूँ सारी सरकार अपनी तरफ से अच्छी अच्छी बातें कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना हो रहा है? आपको लगता है कि ये सब मुद्दा है, ये होना चाहिए, एजुकेशन एक मुद्दा होना चाहिए, रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, महिला सुरक्षा एक मुद्दा होना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं टेररिस्ट, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, ठीक है? तो इन चीजों पे अगर सरकार और काम करेगी तो लोगों के अंदर विश्वास जगा पाएगी और काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। पर मेरा वोट बीजेपी के लिए इस साल भी, अगले 5 साल भी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर, जिस तरीके से नाम बदल रहे हैं उसके जगह ज्यादातर ज्यादा, क्योंकि नाम बदलते साथ ही बहुत कुछ बदलना पड़ता है, आपको ही पता है, बहुत पैसे की खर्चा भी है, बहुत कुछ है, उसके जगह क्या हॉस्पिटल्स हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल हो गया, कुछ इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते? देखिए, कोरोना में हमने देखा कि कैसे जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो चरमराया है, तो उस पर भी काम होना चाहिए मुझे लगता है, और अभी भी हो रहा है। देखिए, कितने पहले एम्स कितने कम थे, सरकार ने कितने एम्स और खोले हैं, है ना? अब बड़े बड़े सिटीज में हमें एम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? एक मैं मानता हूँ कि जो वैकेंसीज हैं हेल्थ के सेक्टर में वो भी कम निकल रही है, सरकार को और वैकेंसीज निकालनी चाहिए जिससे हम मैन पावर डेवलप कर सकें। जितना मैन पावर डेवलप करेंगे उतनी ही ज्यादा हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो इस पर भी काम होना चाहिए, सारी चीजों में काम होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के। पूछते हैं भैया, क्या योगी जी ने दिल जीत पाए आपके? हाँ, जीत लिए। फिर से मौका देंगे क्या? बिल्कुल मौका देंगे उनको। कितना क्या हो, अब फिर जीतेंगे। अच्छा, ये तो बताओ भैया, क्या क्या काम से आपका दिल? अरे वो सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बताएंगे? नहीं, सब कुछ नहीं बताएंगे। चलिए।